हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसी चीज बताने जा रही हूं, अगर आपने उसको कर लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती, कभी भी खून के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और ना ही धमनियों में कभी ब्लॉकेज की समस्या होगी। यानी कि आप हृदय की सभी समस्याओं से, दिल की सभी समस्याओं से बचे रहेंगे। दोस्तों, ये एक चीज इतनी खास है, उसे थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपके लिए इतना आसान हो जाए इस इलाज को करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पेट में अम्ल बनने लगता है, यानी एसिडिटी बनने लगती है, खट्टे डकार आने लगते हैं, सीने में या पेट में जलन महसूस होने लगती है, तो ये सारी की सारी समस्याएं होती हैं कि हमें एसिडिटी की समस्या हो चुकी है। ये धीरे धीरे पेट की एसिडिटी हमारे खून में घुलने लगती है, तो ये बन जाती है खून की एसिडिटी। तो दोस्तों, पहले इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बन रही है या फिर वो एसिडिटी खून में घुल चुकी है। अगर खाली पेट में एसिडिटी बन रही है, खाली आपको जलन ही महसूस होती है, तो ये इतनी खतरनाक नहीं है, पर इसे साधारण लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप इसके प्रति सजग नहीं होंगे, इसका इलाज टाइम पे नहीं करेंगे, तो यही पेट की एसिडिटी खून की एसिडिटी में बदल जाती है, खून की अम्लता में बदल जाती है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनती है। दिल की सभी बीमारियों का कारण यही एसिडिटी है, जो कि पेट से शुरू होती है, वो बाद में खून की एसिडिटी में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस चीज को बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी पेट में एसिडिटी बनने ही ना दी, जो कि खून में घुलती है, तो आपको जिंदगी में कभी भी 100% कह सकती हूं कि हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो हमारे खून के अंदर कभी भी एसिडिटी या अम्लता नहीं बढ़े, या फिर अगर खून में अम्लता बढ़ चुकी है, तो उसके लिए इलाज कौन सा करना है? दोस्तों, इस दिल की समस्या से और हार्ट अटैक से बचे रहने के लिए जो इलाज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से है, जो कि आज से हजारों साल पहले वाग्वट ऋषि जी ने लिखी थी। दोस्तों, एसिडिटी को शांत करने के लिए हमें क्षारीय चीजों का सेवन करना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर दो ऐसी क्षारीय चीजें हैं जिनके ऊपर कोई और क्षारीय चीज नहीं है जो कि एसिडिटी को दूर कर सके। तो सबसे पहली है अर्जुन की छाल और दूसरी है लौकी। दोस्तों, किस तरीके से इसका सेवन किया जाए ताकि आप हार्ट अटैक से बचे रहें, तो आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कैसे करना है रक्त की यानी खून की एसिडिटी को दूर करने के लिए। सिर्फ आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है। अगर आपके पास अर्जुन की छाल के टुकड़े हैं, तो उनको पाउडर जरूर बना लीजिए ताकि उसका असर आपको अच्छे से मिल सके। उसका पाउडर सिर्फ आपने आधा चम्मच लेना है। एक गिलास पानी के अंदर डालकर रात को ढककर रख दीजिए इस पाउडर को, और सुबह इसे गर्म कर लीजिए, जितना गर्म आप पीना चाहते हैं। बहुत ज्यादा उबाले इसको नहीं देने। दोस्तों, इस तरीके से गर्म कीजिए कि ये चाय जितनी गर्म हो जाए, और इसे छान कर एक एक घुट करके पी लीजिए। इतना ध्यान रखिए कि आपने इसे गर्म ही पीना है, ठंडा नहीं पीना, क्योंकि किसी भी काढ़े को, किसी भी औषधि को गर्म ही पिया जाता है, ठंडा नहीं पिया जाता। अगर आप ठंडा पी रहे हैं तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर 3 महीने रोजाना पी लिया, तो आप पूरी जिंदगी हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने ऐसी चीजें नहीं खानी जो सीने में या पेट में एसिडिटी को बढ़ाए, जो कि आगे चलकर खून की एसिडिटी में बदल जाए। अगर आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया, तो आप दिल के रोगों से बचे रहेंगे। बुरा कोलेस्ट्रॉल जो खून में घुल चुका है, वो बाहर हो जाएगा। इसके दूसरी तरफ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी खून में बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूं लौकी के जूस के बारे में। लौकी का जूस बहुत ही क्षारीय है, और बहुत साधारण तरीके से लौकी हमें बाजार में मिल जाती है। लौकी का जूस सिर्फ आपने 1 गिलास लेना है। दूसरी चीज जो बहुत क्षारीय है, जो इसमें लौकी के जूस में मिक्स करनी है, वो है दोस्तों तुलसी। तुलसी के सिर्फ 3 से 4 पत्ते ही हमने लेने हैं।
तीसरी चीज है पुदीना, एक मुट्ठी भर हमने पुदीना लेना है। और एक है काला नमक, काला नमक जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का है। इसके दूसरी तरफ जो आयोडीन नमक है वो क्षारीय न होकर एसिडिक प्रकृति का होता है। तो आपने सिर्फ एक चुटकी काला नमक लेना है। आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमने लौकी का जूस बनाने के लिए तुलसी लेनी है, पुदीना लेना है, काला नमक लेना है और लौकी लेनी है। दोस्तों इस तरीके से आपने एक गिलास जूस निकाल लेना है। तो दोस्तों आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर किसी भी इंसान को पेट में या सीने में बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, जलन सी महसूस होती है, वो 3 दिन के अंदर लौकी का जूस पीने से 100% वो एसिडिटी दूर हो जाएगी। और अगर आपने लौकी का जूस 3 महीने रोजाना पी लिया तो खून की एसिडिटी कभी नहीं बनेगी, आप दिल के रोगों से बचे रहेंगे। लौकी का जूस पीने से हृदयघात नहीं होता, यानी कि हृदय दिल से संबंधित समस्याएं नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन की छाल अगर आप 3 महीने रेगुलर लेते हैं तो ये आपको दिल के रोगों से तो बचाकर ही रखती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा वायु बनती है, वात बनती है, जो कि हमारे शरीर में घूमती रहती है, जिसके कारण आपको कभी मसल पेन हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो गया, कभी मांसपेशियों में ऐठन आ गई, कभी जोड़ों में दर्द होने लग गया, कभी घुटनों में दर्द होने लग गया, तो ये वात भी शरीर से बाहर चली जाती है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपके लिए इसका सेवन रोजाना करना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपका रक्तचाप ज्यादा रहता है, खून का प्रवाह ज्यादा रहता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तब भी आपने इसका सेवन रोजाना जरूर करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका आज मैंने आपको बताया है, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब में लिखा गया है। अगर आप हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं, खून में कभी भी बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं घुले, धमनियों की ब्लॉकेज नहीं हो, यानी कि नसों में कभी ब्लॉकेज नहीं आए, तो आप इन दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल जरूर करें। और इसका इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट ही करना है अगर आप चाहते हैं इसका फायदा आपको 100% मिले, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की प्रकृति ज्यादा होती है, इसीलिए उसे शांत करना जरूरी है। तो उसे शांत करने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक ही चीज का इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, बहुत खास है। अगर आप ताज़ जिंदगी, पूरी उम्र इस बड़ी बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।